मुंबई के कमला मिल कंपाउंड के एक होटल में, साथ ही एक रेस्टोरेंट में और पब में देर रात अचानक से आग लग गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का काम चल रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, तो घायलों को निकाला जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि रेस्टो बार में जो आग लगी है, रात करीब 12:30 के आसपास लगी है। इसी के साथ जो इसमें जख्मी हुए जो झुलस गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के जो अस्पताल हैं वहां पर उन्हें ले जाया गया। मुंबई के लोअर परेल इलाके में मौत की आग में झुलसे लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर कई लोगों को KEM अस्पताल ले जाया गया। घायलों में कई की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इसी के साथ देर रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तो आग में 15 लोगों की मौत की खबर है। लंदन टैक्सी बार मोजो रेस्टोरेंट में ये आग लगी है, इसी के साथ पब में आग लगी है। कहा जा रहा है कि वहां पर पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक से कैसे आग लग गई अभी तक इस बात का कोई अंदेशा नहीं लगाया गया। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो, लेकिन बार बार यहां पर सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात को जब आग लगी थी उसकी तस्वीरें ये देखिए कि कैसे वहां पर माहौल बन गया था, आग की लपेटें बाहर तक फैल गई थी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये अब सुबह की तस्वीर है। आग लगने के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कैसे वहां पर तस्वीरें आ रही है, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, ये आप देखिए। जब आग लगी थी उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, कमला मिल्स कंपाउंड मुंबई के एक परेल इलाके में ये पड़ता है। लेकिन इस इलाके की अगर बात करें, काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियां थी उनको पहुंचने में भी करीब 1 घंटा लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद वो यहां तक पहुंच पाई और कई घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और एक मोजोस, ये रेस्टोरेंट टेरेस रेस्टोरेंट में फायर हुआ है और उसमें 13 कैजुअल्टी है, उसमें से 4 मेल है और 13 फीमेल है, और 10 जन को हमने हमारे स्पेशल अप्लायंस से सेफली रेस्क्यू किया है और वो कैजुअल्टी को सबको हमने कैम हॉस्पिटल में भेजा है। फायर पूरा अंडर कंट्रोल है। 8 फायर इंजन था, 5 टैंकर था, स्पेशल अप्लायंस है और एम्बुलेंस है। सर, फायर लगने के बाद ऐसे सिलेंडर ब्लास्ट कुछ अभी तक क्या सामने? नहीं देखो, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं। अभी कूलिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, जैसा कूलिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा हम सर्च करेंगे, जो ट्रेसेस है उसके ऊपर से समझेगा सिलेंडर कितना है, क्या था, ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ था, जो फर्स्ट अराइवल ऑफिसर ने क्या उसने देखा, कैसा सुना, ये सब जांच होने के बाद कंक्लूड करेंगे।